वाराणसी से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही। दरअसल एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या के मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस को घर से 20 से ज्यादा रजिस्टर मिले, इसमें 200 से ज्यादा लोगों की उंगलियां बनी हुई। शुरुआती जांच में सामने आया था कि परिवार का मुखिया राजेंद्र प्रसाद गुप्ता किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ा हुआ था, लेकिन राजेंद्र की पत्नी नीतू की सहेली यानी शिल्पा ने खुलासा किया है। उसने कहा कि तांत्रिक राजेंद्र से कहता था कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी प्रगति में बाधक बन रही है। ऐसे में शिल्पी को ये बात खुद नीतू ने बताई थी। तो वहीं इस केस में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। राजेंद्र पर उसके पिता, छोटे भाई और साथ ही उसकी पत्नी और एक चौकीदार की हत्या का आरोप था। वारदात के बाद से ही राजेंद्र के छोटे भाई कृष्णा का एक बड़ा बेटा यानी विकी लापता है। पुलिस के लाख प्रयास के बावजूद विकी का अब तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। राजेंद्र की मां शारदा देवी ने पुलिस को बताया कि विकी अपने बड़े पापा की हत्या की बात कहता रहता था। उन्होंने कहा कि विकी 4 नवम्बर तक वाराणसी में ही था। तो वहीं आपको बता दें, विकी की तलाश में अभी भी पुलिस जुटी हुई है। अहमदाबाद में विकी के ऑफिस के सहकर्मियों यानी फ्लैट्स के आसपास के पड़ोसी और उसके जानने वालों की मदद से पुलिस उसका पता लगाने का प्रयास कर रही है। इस संबंध में DCP काशी जोन यानी गौरव मंसवाल ने बताया कि पुलिस टीमें विकी की तलाश में अभी भी जुटी हुई है। उसके दोस्त से संपर्क किया जा रहा है, उम्मीद है कि वो जल्द गिरफ्तार हो सकता है। तो वहीं वाराणसी में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या ने सभी का दिल दहला दिया है। वाराणसी में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। तो वहीं इस इलाके में एक मकान के अलग अलग तल से मंगलवार को एक महिला, फिर उसके 2 बेटे और साथ ही एक बेटे का शव मिला था। जबकि घटना स्थल से लगभग 14 किलोमीटर दूर मीरापुर रामपुर स्थित एक मकान में महिला के पति का शव भी बरामद किया गया। उसे भी गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इस केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया। 5 की गोली मार कर जो हत्या कर दी गई, उसमें राजेंद्र की मां यानी शारदा देवी ने एक बड़ा खुलासा किया। उनकी मां ने बताया कि विकी अपने बड़े पापा की हत्या की बात बार बार दोहराता था। तो वहीं आपको बता दें कि विकी अभी भी लापता है। पुलिस के लाख प्रयास के बावजूद विकी का अब तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ न्यूज़ नेशन। अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।